हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। देखिए टाटा मोटर्स ने देखिए आज क्लोजिंग दी है 137.45 पे, 10.45 रुपये शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है, 7% के आपको डिक्लाइन फॉल देखने को मिला है टाटा मोटर्स के शेयर में। तो दोस्तों बात करेंगे कि कल कैसा रहेगा शेयर के, यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी कि गिरावट कंटिन्यू रहेगी। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। देखिए दोस्तों जो टाटा मोटर्स था उसका पहले भी 137 पे आया था, तो देखिए इसका उस समय क्या था सपोर्ट 136 का, जहाँ से शेयर में आपको फिर से तेज़ी देखने को मिली थी। और देखिए जो अभी आप इसका कह सकते हैं सपोर्ट के आसपास ही शेयर बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि 136 के नीचे अगर शेयर नहीं जाता है तो यहाँ से गिरावट नहीं बढ़ेगी और यहाँ से फिर से तेज़ी होगी, क्योंकि देखिए पहले भी 136 से शेयर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था और वापस 150 के लेवल्स पे आपको देखने को मिला था। पर देखिए यहाँ पे फिर से 137 पे आ चुका है, तो देखिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको देखना है, ध्यान रखना है कि 136 से ये शेयर वापस से हिट करता है कि 136 का सपोर्ट टूटता है और वापस से ये 130 के अंदर एंटर कर जाता है। अब देखिए शेयर में आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है आज के दिन में, देख रहे थे कि आज सारे सेक्टर डाउन थे। आप कह सकते हैं देखिए मार्केट का प्रेशर है ये, सबसे पहले कि मार्केट में आप देखिए हुआ आज जो आज निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी 250 अंक गिरा, तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रेशर आना तो देखिए स्वाभाविक है। और जो प्रेशर आज हमें देखने को मिला है देखिए सब सेक्टर में मिला है, आज कोई भी सेक्टर देखिए ऐसा नहीं था जो बड़ा हो, बहुत कम इन्फोसिस इनके अलावा देखिए और कोई नहीं बढ़े। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में आपको गिरावट देखने को मिली, तो देखिए ये बिल्कुल प्रेशर था वो मार्केट का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज 7% आपको गिरावट देखने को मिल गई है, लेकिन देखिए वापस से जो एक इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करी हो तो देखिए मैं आपको पूरा बिल्कुल इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे जब गया जो इसने 136 का हिट हुआ ये फिर से यहाँ से वापस बढ़ा, आप देखिए 136 के ऊपर गया फिर वापस गया फिर वापस बढ़ा और फिर देखिए जो वापस से डाउन था फिर यहाँ से वापस बढ़ा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो 136 का सपोर्ट है इसका 136-135 का, वहाँ से बार बार वापस से हिट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है शेयर, और देखिए यही देखने को मिला है। तो यहाँ से देखिए अगर कल के सेशन में वापस से शेयर ऊपर जाता है तो देखिए यहाँ से ही जाएगा, आप समझ लीजिए 136-135 के नीचे अगर शेयर चले गया तो यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक महीने में शेयर में आपको देखिए अराउंड आपको 11% के रिटर्न्स मिल गए, जो आज का डे छोड़ दे तो आपको अराउंड 17% के रिटर्न्स मिल गए। तो ठीक है ये आपको पहले भी बाउंस बैक किया है, देखिए ये जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से वापस पहले भी शेयर ने हिट किया है ऊपर आया और यहाँ से वापस आने के चांसेस देखिए है दोस्तों। तो यहाँ से अगर ऊपर आएगा तो आपको फिर से 150 रुपये तक शेयर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम देखिए बात कर लेते हैं टेक्निकल्स के, टेक्निकल्स में देखें तो देखिए लास्ट मिनट में क्या हुआ है, लास्ट मिनट पे आया है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, जो 15 सेल 3 बाय ऑसिलेटर्स वाली बाय रखा है लेकिन मूविंग एवरेजेस ने स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड की है। तो देखिए वो देखिए जो 7% गिरा उसके कारण दबाव देखने को मिला है हमें शेयर में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैं बता दूँ, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज तीनों स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, ठीक है। अब शेयर में आपको तेज़ी कब देखने को मिलेगी, जब 155 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, जो दोस्तों अभी कभी कर नहीं पा रहा है, ये आपको बहुत ट्राई मारता है 155 का रेजिस्टेंस, जैसे आता है फिर से शेयर गिर जाता है और देखिए यही हो रहा है। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, देखिए अगर 136 के लेवल से हिट होता है फिर से ऊपर बाउंस बैक करता है शेयर तो, लेकिन अगर दोस्तों 136 से उठ के 132 भी आ जाता है तो शेयर तो आपको यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से फिर से गिरावट देखने को आपको मिल सकती है शेयर में। पर यहाँ से अगर ऊपर जाता है 136 का लेवल से हिट होता है तो यहाँ पे आपको फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी, फिर से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिलेगा शेयर और 150 तक जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, ओवरऑल आप थोड़ा सा होल्ड करिए टाटा मोटर्स को। तो देखिए वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।